जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज इस सेवा के मौके के लिए और आप जो ये प्लेटफॉर्म रन करते हैं आपका भी बहुत शुक्राना। हम सब समझते हैं कि कितनी बिजी लाइफ सबकी है और उसमें आप जब ऐसे टाइम निकाल के रोज प्लेटफॉर्म चलाते हैं उसमें हम सबका बहुत भला होता है, बिकॉज हम जरूर सुनते हैं सबके सत्संग और जितना सुनते हैं हम उतना जुड़ते हैं, गुरु जी के बहुत मैसेजेस हमें भी मिलते हैं। सो शुक्राना गुरु जी। और पहले मैं ये भी कहूंगी कि मेरे से कोई गलतियां हो जाए तो मुझे पहले ही माफ कर देना गुरु महाराज जी, मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगती हूँ जी। सो मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2004 में शुरू हुई थी। मेरी सिस्टर इन लॉ है और वो जाती थी, हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था गुरु जी महाराज के पास जाना। शायद उनमें मेरे से श्रद्धा थोड़ी ज्यादा थी एंड मैं जाती थी बिकॉज मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था बहुत पीसफुल जगह है एंड बिल्कुल घर से पास पड़ता था। गुरुजी के टाइमिंग इतने सूट करते थे कि हम जाते थे बच्चों के साथ, कभी हस्बैंड के साथ, कभी मदर इन लॉ के साथ, और जरूर बहुत ब्लेस्ड फील तो करते थे। अब मुझे क्या चीज रोकती थी वो मैं पहले बताती हूँ। मैं बाबा साईं बाबा की बहुत फॉलोअर थी एंड आई एम मैरिड इन टू अ सिख फैमिली, तो मेरी मेरे 10 गुरुज पे भी बहुत बहुत फेथ था है। तो मुझे लगता था ये मैं कितने गुरुज को मानूंगी, मतलब ऐसे मेरे अंदर ये हेजिटेशन थी। एंड मैं जब गुरुजी के आगे बैठती थी तो मैं अपने मन में सोचती थी गुरुजी मैं अपने लिए तो मांग नहीं सकती बिकॉज मेरे गुरुज हैं, लेकिन मैं आपके आगे दूसरों के लिए अरदास करूंगी जो जो मुझे दिखता था अपने आसपास दुखी। और गुरुजी मेरी सारी अरदासें सुनते थे, पूरी करते थे। मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे, मतलब अगर आप देखो कि लाइफ का वो सबसे बहुत मुश्किल फेज था और गुरुजी अंतर्यामी तो थे, उनको सब पता था और वो मुझे जब मैं उनके आगे मत्था टेकती थी तो गुरुजी मुझे कहते थे तू ऐश कर, और जब भी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। मुझे ये नहीं पता था कि ये ब्लेसिंग क्या का मीनिंग क्या है, बिकॉज मैं सोचती थी शायद गुरुजी सबको यही सेम ब्लेसिंग देते हैं तो मेरे लिए कोई ये स्पेशल ब्लेसिंग तो शायद नहीं होगी, ऐसे मैं सोचती थी। बट आज के दिन में मुझे वो मैं आपको बाद में दोबारा मतलब एंड तक सब बताऊंगी कि कैसे मैं गुरुजी के लिए इतनी क्रेजी हो गई हूँ अभी एंड कैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा। और सच में वो दिन आ गए हैं जो गुरुजी कहते थे तू ऐश कर, बिकॉज उनकी बात पत्थर पे लकीर है। सो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है जिसलिए हम जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड इन हमारा एक घर है चंडीगढ़ में एंड वो घर बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है, हम उसको वो घर को रेंट पे देते हैं अभी भी। एंड जब हमने उस समय किसी बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली को दे दी, गलती करी एंड उनकी नीयत बिल्कुल बदल गई थी, उन्होंने सोच लिया था कि हम अब ये प्रॉपर्टी इनको नहीं देंगे, ये अब हमारी हो गई। अब मेरे हस्बैंड को गुरुजी बहुत प्यार करते थे वेरी ऑब्वियसली, मुझे ये पता है बिकॉज वो जब मेरे हस्बैंड को मिलते थे वो कहते थे आजा सरदारा, बड़े प्यार से उनको बुलाते थे एंड उनको उन्होंने ये भी बोला कि हो जाएगा तेरा काम हो जाएगा, मतलब इस तरीके से कुछ ऐसे बोला कि तुम फिक्र मत करो। अभी मैं आपको ये बात बताती हूँ कि वो सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल सी थी लेकिन गुरुजी ने उसे पॉसिबल किया, क्योंकि एक तो वो बहुत स्ट्रांग थे पॉलिटिकली, सेकेंडली कुछ लॉज है चंडीगढ़ के जिससे जो फेवर में रहते हैं हमेशा किराएदार के एंड हमें उम्मीद एक्चुअली नहीं थी बट गुरुजी की कृपा। तो उन्होंने कोई गलती कर दी कोई पेपर वर्क में जिसके कारण वो पूरा केस हमारे फेवर में आ गया और उनको घर खाली करना ही पड़ा, चाहे वो कितने ही स्ट्रांग थे इन पावर थे। ये तो एक एस्पेक्ट था ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग। मेरे दो बेटे जाते थे मेरे साथ, अब पता लगता है गुरुजी जब हमें प्यार से लंगर खिलाते थे
तो वो उनको भी कितना ब्लेस कर रहे थे वो दोनों बच्चों को, उनकी भी मैं पूरी आपको बाद में धीरे धीरे जर्नी बताऊंगी ये कहती हूँ। बट उस टाइम के मेरा यंगर जो सन था वो आई थिंक उसकी जो पढ़ाई थी वो इंडिया के हिसाब की नहीं थी, सो मे बी इसीलिए वो एवरेज स्टूडेंट रहा। एंड एज अ मदर मैं थोड़ी वरिड रहती थी, पर कभी मैंने गुरुजी से मांगा नहीं, पर गुरुजी तो जानते ही थे। एंड मैंने वो बच्चा स्कूल में एवरेज एवरेज रहा, पर स्कूल वालों ने कभी प्रेशर नहीं डाला। एंड जब वो क्लास 10 में गया तो उसके मार्क्स अपने बड़े भाई से भी आगे निकल गए, क्लास 12 में उससे भी अच्छा किया और उसको अपने मन पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली। उसने अंडरग्रेड किया, पोस्ट ग्रेड किया, दोनों टाइम इसको स्कॉलरशिप्स मिली। अब जो बच्चा इतना एवरेज था वो सडनली जीनियस की तरह बन गया। अब इस जो इस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है, थोड़ा आगे जा रही हूँ। जब ये क्लास 10 में था तो देखो गुरुजी से मांगना नहीं था, पर मांगते भी थे, दोनों काम थे, मतलब इट्स वेरी वेरी स्मार्ट जैसे अपनी तरफ से। मैं क्या करती थी कि मैं अच्छा अपने सरदारों के पाठ वैसे ही बहुत करती थी, मैं सुखमनी साहब का पाठ करती थी, उसमें बंगला साहब का जल, गुरु जी का मेरे पास एक कीचेन था वो उस जल में डालती थी, एंड साईं बाबा की गुदी, ये तीनों चीजें मैं मिला करके पाठ करती थी और उसके बाद अपने बेटे को पिला देती थी। आई नो के गुरु जी ने ये करवाया मेरे से और ब्लेसिंग भी दी। सो आफ्टर दैट मेरे बेटे ने पीएचडी पे भी के लिए भी शुरू कर दी पढ़ाई, 6 months कर दिए, एंड बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत उसका नाम हो गया था। वो कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में मैं यहीं पर रहूंगा और मैं प्रोफेसर बनूंगा। हमने बोला जो इसकी इच्छा, हमने अपने बच्चों को दोनों को कभी ये नहीं बताया ऐसे ना करो और ऐसे करो, जैसे तुम्हें कुछ ये करो। पर गुरुजी की कुछ और प्लानिंग थी जो बहुत बहुत अच्छी थी। एनीवे सो ये हमारी अच्छा, तो हम गुरुजी के पास बैठते थे, उनसे ब्लेसिंग लेते थे, घर आ जाते थे। वहां पर गुरुजी को पहले जैसे वो पैंट शर्ट में आते थे वैसे देखा, जब वो अपने इतने अच्छे ब्यूटीफुल रॉयल रोब्स में आते थे तभी भी उनको देखा, एंड बड़े बड़े वीआईपी देखते थे, ये सब दिखता था। लेकिन मेरा माइंड जरा क्वेश्चनिंग माइंड है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी भी चीज को इतनी जल्दी बिलीव नहीं करती, मेरे को हर चीज को दोबारा ट्रिपल टाइम बार बार चेक करना होता है। सो मैं सोचती थी ये लोग कैसे आ जाते हैं इधर, अच्छा सोचती थी, कुछ ज्यादा कोई शक नहीं करती थी, मैं गुरुजी को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनके पास बैठने जब जब बैठती थी हमेशा अपना सिर ढक के रखती थी। ये मुझे पता था ये महापुरुष है, एंड कहीं कभी ये भी सोचती थी ये माइंड रीड तो नहीं करते, कुछ कुछ हर तरीके से दिमाग चलता रहता था ऐसे भी वैसे भी। लंगर प्रसाद वहां का खाके मुझे बहुत पीस मिलता था, एंड ट्रस्ट मी वो टाइम बहुत मेरी लाइफ का डिफिकल्ट था, तो शायद गुरुजी ने ही मुझे इसलिए अपने पास उस टाइम पे बुलाया। अब ऐसे जर्नी चलती रही, हमने फॉर ग्रांटेड लिया कि हम यहाँ पर जब जब आना चाहते हैं आ सकेंगे, गुरुजी से ब्लेसिंग लेंगे और गाड़ी चलती रहेगी। बट 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। हाँ, जिन दिनों में मैं वहां जाती थी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ एक कुछ बहुत बड़ी कृपा हुई थी गुरुजी को। सो गुरुजी ने रोमा आंटी के हाथ मैसेज भेजा मेरी सिस्टर इन लॉ को कि एदे नाल बड़ी बड़ी कोई ब्लेसिंग हुई है, इनू कह के लिख के दे। सो अनोनिमस में लिख दो। सो दीदी ने मुझे अपनी सारा सत्संग सुनाया और मेरे हाथों से लिखवाया, वो कहते अब आप लिख के दे दो। एंड आई थिंक दीदी अगले दिन ट्रैवल कर रहे थे शायद, मेरे को कुछ ऐसे वेगली याद है। सो मैंने उनके लिए लिखा। अब मुझे ये बात की बड़ी खुशी होती है याद करके कि शायद मैंने सुना है किसी और सत्संग में कि जो भी
लोग अपने सत्संग लिखते थे तो गुरुजी उसको एक बारी पढ़ते थे और फिर उसकी आज्ञा देते थे कि अब आप इसको लाइट ऑफ डिविनिटी में पब्लिश कर सकते हैं। सो मुझे ये बहुत खुशी होती है कि मेरे हाथ का कुछ लिखा हुआ गुरुजी ने पढ़ा होगा डेफिनेटली। सो ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट है जिन दिनों में हम वहां जाते थे। और भी बहुत है, मतलब जो मैंने ओल्गा आंटी का सत्संग सुना हुआ है वहां पर, तभी भी ऐसे सोचती थी ये लोग, इनके साथ ये सच में हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि ये लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। मुझे दोनों तरफ के दिमाग चलते थे, एक तरफ वाओ होता था, एक तरफ ये होता था। और बहुत लोगों को मैंने गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप दिए थे। फॉर एग्जांपल मेरे फादर को जब कैंसर हुआ तो भी मैंने उनको दिया था। अब पुरानी बात है, आई डोंट नो कि उन्होंने उसको बहुत वैसे वाला, बिकॉज वो बॉम्बे में है थे, बट डेफिनेटली मेरे फादर की एकदम तबीयत इम्प्रूव हो गई। सो एक आंटी होते थे मेरी, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ उनके घर जाती थी गुड़गांव में, आई थिंक महीने के 23rd को हर बारी उनके घर में सत्संग होता था। सो कभी कभी मैं भी साथ चली जाती थी और आरती के बाद उनके पूरे गुरुजी के स्वरूप पे पूरा भीग जाता था विद अमृत। मैंने कितनी बार कोशिश करी कि पीछे से कुछ है तो नहीं, कोई वाटर कनेक्शन कुछ तो नहीं, बट क्लियरली इट वॉज गुरुजीज अमृत। आज समझ आती है कि गुरुजी ने क्या क्या ब्लेसिंग करी है, हमें ये सब दिखा के भी एक ब्लेसिंग होती है। सो शुक्राना गुरु महाराज जी। सो जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया उसके बाद हम बड़े मंदिर जाने शुरू हो गए। वहां पर बहुत कुछ हुआ जो मुझे अब याद आता है, जो गुरुजी ही शायद याद कराते हैं किसी ना किसी के थ्रू। कोई कुछ बता दे, कोई एक इंसिडेंट ऐसा याद करा देता है, मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हुआ था, मुझे कैसे भूल गया। भूल गया क्यों पता नहीं, पर याद गुरुजी ने सब कुछ कराया, क्योंकि वहां पर फूलों को सजाने की पूरी सेवा करी थी एक बार मंडे को, शायद कोई शाम को इवेंट होगा, मुझे वो बात ये नहीं याद है, बट वो सेवा मिली थी। एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी और दोपहर को 12 बजे कहती है कि चलो बड़े मंदिर। सो मैंने कहा कि इस टाइम पे तो वहां कुछ नहीं होता, बंद होगा, हम क्या जाके करेंगे। पर दीदी को बहुत प्यार था गुरुजी से एंड मैं चली गई उनके साथ। जब उनके साथ गई तो वहां पर मैसेज, अब ये भी सिस्टर उन्होंने याद कराया तो याद आया, बट मुझे ये याद है कि मैंने किचन में, मुझे सेवा मिली थी तो उन्होंने किचन से बोला कि देखो दो सेवादार आज नहीं आए हैं, आप आ जाओ जरा किचन में सेवा दे दो। सो ये गुरुजी ने ही बुलाया हमें, उनको किसी कारण वो एब्सेंट थे और हमें सेवा मिली। एक बारी मैं सुबह गई थी दीदी के साथ, दूसरी दीदी के साथ, मेरी दो सिस्टर्स इन लॉ बहुत ज्यादा गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, तो मुझे शिव मूर्ति की क्लीनिंग की सेवा मिली, ये भी गुरुजी की बख्शिश, शुक्राना महाराज। एक बारी मैं गई थी तो सब एक जगह इकट्ठे होके देख रहे थे, तो मैं भी गई और देखा तो इतना क्लियर गुरुजी का स्वरूप नजर आ रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ की तरह क्लियर। बिकॉज वहां भी मैं डाउट करती हूँ अगर कोई चीज में इतनी भी क्लैरिटी ना हो, बट ये तो बहुत क्लियर फोटोग्राफ थी, ब्लैक एंड व्हाइट एंड वो झूले के पीछे। एंड आई डोंट नो उस टाइम फोटो ले रहे थे लोग के नहीं ले रहे थे, बट जो मैंने देखा वो ही बोलूंगी कि मैंने देखा। एंड फिर दो छोटी छोटी सिस्टर्स हमारे पास रहने आई थी, वो मेरे बच्चों के ही स्कूल में थी। एंड उनमें से जो बड़ी सिस्टर थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसको उसको 100% मिल रही थी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में अमेरिका। एंड जब उसकी मम्मी मेरे को कहती है कि देखो उसको पूरी स्कॉलरशिप भी मिल गई है, पर उसको इसलिए रोका हुआ है बिकॉज शी वॉज एनोरेक्सिक, सो 5 kg कमी थी
जिसके लिए वो अलाउ नहीं कर रहे थे यूनिवर्सिटी वाले। बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा पतली थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी। मैंने इस बच्चे के लिए गुरुजी के पास जाके वहां पर बड़े मंदिर में अरदास की। अब देखो गुरुजी ने मुझे हर बारी दिखाया कि मैं हूं, जब तुम्हारी आंख खुलेगी वो तुम देख लेना, पर मैं तो हूं। सो मैंने अरदास करी और मैंने फिर भी घर आके अपनी लाइट ऑफ डिविनिटी खोली कि मैंने अरदास करी है कि इसका मुझे कोई आंसर चाहिए। मैंने जो पेज खोला वो पेज में जो फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ा वो लाइन थी, गर्ल विल पुट ऑन वेट। मुझे पता था गुरुजी ने सुन ली अरदास, एंड श्योर इनफ वो लड़की शी पुट ऑन वेट एंड शी वेंट। टुडे शी इज विनिंग एकेडमी अवार्ड्स फॉर द, शी वाज वो फिल्म मेकिंग कर रही थी एंड शी इज एक्सेलिंग, बिकॉज गुरुजी सिर्फ ब्लेस नहीं करते, एवरेज नहीं छोड़ते, आपको बेस्ट ओवर एवरेज एंड ही मेक्स यू टॉप इट, ही मेक्स यू द बेस्ट। सो अब देखो कि वो शायद गुरुजी के डिवोटीज नहीं भी है तो भी गुरुजी तो अरदास सुनते हैं सबके लिए और सबका भला करते ही जाते हैं। सो और ऐसे ही एक कपल था जिनको मैं कहीं और मिली थी, और एक दिन अगेन मेरे ख्याल से शिवरात्रि थी एंड हम पैदल जा रहे थे वो रास्ते गुरुजी के मंदिर तक। तो रास्ते में जो टी पॉइंट के बाद, तो वो मैंने वो कपल को वहां देखा, मैंने कहा आप यहाँ भी आते हो, आप कैसे आते हो, बिकॉज क्यूरियोसिटी होती है कि इनके साथ कुछ तो ग्रेस होगी जो ये यहाँ मानते हैं। तो कहते हैं ये देखो जो हमारे साथ हमारी बेटी चल रही है ना, वो 12 साल की होगी उस टाइम, दो लंबी लंबी चोटियां, सरदार कपल था। कहते ये जो थी ना ये बिल्कुल बेड रिडन थी और इसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, एंड डॉक्टर्स ने बोला देयर इज नो होप, वन बाय वन ऑल ऑर्गन्स आर फेलिंग। तो ये वसंत कुंज में रहते थे और किसी ने इनको गुरुजी का रास्ता दिखाया और कहा कि बिल्कुल साथ ही पड़ता है आपके, एक बारी आके उनकी ब्लेसिंग्स ले लो। बस गुरुजी ने, ये लोग ने मत्था टेका, गुरुजी ने उनको सिर्फ कितना इजी सरदारों के लिए बोला, जपजी साहब का पाठ करो। वो कहते हैं हम घर गए, हमने सिर्फ एक बार जपजी साहब का पाठ किया और वो एक बार में हमारी बेटी उठ के बाथरूम फर्स्ट टाइम गई, जिसको जो कभी नहीं उठी थी, और उसके बाद वो ठीक होते होते वो कहते अब देखो भाग दौड़ रही है हमारे साथ, बड़े मंदिर आई है। एंड उसने एक साल, उसके पहले एक साल अपना वेस्ट हो गया था उसका ऑलरेडी, पर उसके बाद सब ठीक होना ही था। एक बारी गुरुजी की तो बस नजर पड़नी चाहिए किसी पे, तो सिर्फ देने देना जानते। ऐसे ही मेरे हस्बैंड के एक एम्प्लॉई थे, वो तो बिल्कुल किसी भी भगवान बाबा गुरु को मानते ही नहीं थे, वो खुद कहते हैं, बिकॉज मैंने उनको अभी रिसेंटली मिली तो मैंने कहा अपना सत्संग एक बार ही सुना दो प्लीज। सो वो उनका बेटा, उसको कुछ नर्व्स की प्रॉब्लम थी, वो नर्व्स की प्रॉब्लम पैरों से लेके ऊपर 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 आती जा रही थी एंड पूरा वो फेल हो रहा था, मतलब वो नर्व्स डेड हो रही थी। वो फेल होते होते नेक गले तक पहुंच गई थी। डॉक्टर्स ने बोला अगर ये सिर तक आ गई तो फिनिश है, पर वैसे भी उसका कुछ नहीं हिलता था, वो बिल्कुल बेड पे था। किसी ने उनको बोला कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो ले लो, तो वो कहते हैं कि चलो ये भी सही, बट मानता नहीं था और ना वो कोई श्रद्धा या कोई विश्वास से गया, लेकिन गुरुजी ने बोला ठीक कर दिया कुछ ऐसे, मतलब कुछ ब्लेसिंग अच्छी दी, ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं वो बच्चा ऐसे ठीक हुआ कि अचानक, मतलब जो लेटा लेटा रहता था जिसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं थी, बिल्कुल जैसे वेजिटेबल की तरह, वो बिल्कुल नॉर्मल, आज वो बच्चा सुपर इंटेलिजेंट, ओनली स्टैंड्स फर्स्ट एंड वेरी वेरी ब्राइट। सो वही है गुरुजी ने जिसको ब्लेस किया, उनको एवरेज नहीं रहने दिया, उनको सुपर सुपर से भी ऊपर कर दिया। सो शुक्राना गुरु महाराज। अब मेरा तब तक ना विश्वास ऐसे ही था, लोगों की ब्लेसिंग देखती थी, लोगों के मिरेकल सुनती थी, लेकिन खुद वो अंदर से नहीं आया था। अब मेरा टर्निंग पॉइंट जो था वो 3 इयर्स बैक 2019 में हुआ।
बिकॉज आई थिंक गुरुजी ने सोचा हुआ था कि ये आएगी, इसको मैं एक दिन इतना अपने अपने अपना बना दूंगा कि ये सत्संग भी सुनाएगी। सो वो उनकी प्लानिंग होती, हम तो सिर्फ पपेट्स की तरह ही हैं। सो मैं यहाँ से इंडिया से सैन डिएगो गई थी, वहां पर एक शादी थी। जब हम वहां गए तो एक गेस्ट उनके फ्रेंड्स में से वो आई थी न्यूयॉर्क से। अब वो मेरे से मिलते ही मुझे कहती है यू आर माई गुरु बहन। मैंने सोचा ये मुझे क्यों ऐसे सोच रही है, शायद बिकॉज मेरा घर बड़े मंदिर के पास है इसलिए गुरु बहन बोल रही है। तो मैंने उसको रोका टोका नहीं, लेकिन वो गुरुजी की बहुत बातें करती थी, बहुत ज्यादा, और मैं सुनती थी ये भी गुरुजी बड़े काइंड है, गुरुजी ने ये किया, शुक्राना गुरुजी। और उसने, वो लड़की ने मुझे बहुत प्यार दिया जैसे कि मैं उसकी कोई बहुत पुरानी बहन हूं, जैसे सच में। और इतने गेस्ट थे वहां पर, उसी घर में रह रहे थे, पर ये मेरे साथ बहुत प्यार करने लगी। थोड़े दिन के बाद वहीं पर सैन डिएगो में ही, आई थिंक विद इन वन वीक, मेरे सपने में गुरुजी आ गए। और मुझे उस टाइम सपना ही लगता था, आज समझ आए ये सपना नहीं था। एक इमोशनल इशू मेरे लाइफ में चल रहा था जो बहुत सीवियर था, जिसके कारण हो सकता था कि मैं डिप्रेशन में चली जाती या मैं कभी कभी मालिक पे ही विश्वास मेरा छूट जाता। शायद इसलिए गुरुजी मेरे को बचाने आए। तो मेरे सपने में जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से लंगर खिलाया। सो मैंने उसको भी नहीं बताया कि ऐसे मुझे ड्रीम आया, पर मैं चुप रही। मैंने कहा शायद ये इतना गुरुजी करती, शायद इसलिए मेरे ड्रीम में गुरुजी आए। ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद हमारा थोड़ा लॉन्ग ट्रिप था, बिकॉज मेरे बड़े बेटे की ग्रेजुएशन थी। सो हमने अमेरिका थोड़ा लंबा खींच दिया और वहां से फिर सीधा इटली चले गए, वहां की ग्रेजुएशन अटेंड करनी थी। जब मैं वापस आई इंडिया तो जिस कारण मैं बड़ी ज्यादा डिस्टर्ब थी, वो ही बात बहुत ज्यादा हाइट पे आ गई थी। सो जितना मेरे को गुरुजी ने वो सपने से संभाला था, उतना दोबारा मुझे डिप्रेशन सा हो गया। अब क्या हुआ, मैं यहाँ इंडिया पहुंची और दोबारा गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। अब इस बारी गुरुजी मैं थी बड़े मंदिर में बैठी हुई थी, और मेरे पीछे से एक बहुत लविंग हाथ, जैसे कोई बड़े का हाथ मेरे बैक पे, मेरे को जैसे बहुत प्यार से, ना जैसे कोई आपको प्यार करता है। तो मैं एकदम पीछे मुड़ा और मैंने सोचा मेरी इतनी किस्मत कहां से हो गई कि मेरे को गुरुजी ऐसे प्यार करेंगे। मैंने बस ऐसे सोचा और मैं उठ गई, बट वो ऑब्वियसली गुरुजी ही थे। सो यहां इन दो बातों से ना मेरा कुछ माइंड में टर्न अबाउट आने शुरू हो गया। एंड उसके बाद जून में, अभी यहाँ पर कोविड शुरू हो गया था, पर वो वाला कोविड खराब वाला भी नहीं था, पर शायद होगा, आई डोंट रिमेम्बर। फिर से गुरुजी मेरी ड्रीम में आए जून में। जब वो मतलब एक वो एक नॉर्मल इवनिंग थी, नॉर्मली हम सब ने डिनर खाया रात को और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन मैं रात को जब सोई हूँ, मिडल ऑफ द नाइट, हेड टू टो पूरा मेरी बॉडी भीगी हुई थी स्वेट में, इतना पसीना। मैंने कहा ये कैसे क्या हो रहा है मुझे, पर मैं नींद नहीं थी। और गुरुजी मेरे ड्रीम में आके कहते मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। तो मेरे को नहीं समझ आई कि किस चीज का ऑपरेशन। सुबह उठी हूं तो मुझे इतनी बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे, या समझो कि अंधेरा आ रहा था आंखों के आगे, कि मैंने सोचा कि मैं नहीं खड़ी हो पाऊंगी, मैं तो आज बेड पे रेस्ट ही करती हूँ। अब मेरी हैबिट है कि मैं जरा फैमिली को ज्यादा कुछ बताती नहीं हूँ, बिकॉज ज्यादा लोगों को मेरे को अच्छा नहीं लगता वरिड करना किसी को। सो मैंने इनको यही बोला, मेरा थोड़ा पेट अपसेट है ऐसे करके, तो लंच नहीं खाऊंगी आज, मैं सो जाऊंगी। और लंच टाइम पे मैं सो गई, और मैंने अपने कान में सुखमनी साहब का पाठ लगाया। वो पाठ को मैं दो बारी
रिपीट हुआ सुना, एंड जब मैं उठी हूँ तो ऐसे फ्रेश उठी हूँ जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब या तो वो मुझे कोविड हुआ था या तो क्या हुआ था, पर गुरुजी ने जो सपने में बताया कि मैं तेनु ठीक कर देता, कि मैं तेरा ऑपरेशन कर देता, वो किया। बिकॉज उसके पहले मेरी जैसे बॉडी में कोई दम ही नहीं था, बिल्कुल वीक हो गई थी। सो इतना इन इन बातों से ना वो मेरे को पता लग गया कि मेरे को संभालने वाले मेरे गुरुजी हैं। ये हर चीज में गुरुजी आ जाते हैं, गुरुजी ही संभाल रहे हैं मुझे। अब थोड़े दिन के बाद मेरा बेटा आया हुआ था, इंडिया आया था। वो यही हिसाब से आया था कि मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ, एक महीने की पैकिंग करके आया, बिकॉज यूके में लॉकडाउन चल गया। वो भी मैं बताती हूँ कि वहां उसका यहाँ आना कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। सो मेरे हस्बैंड ने उसको पैसे दिए। अब वो उस टाइम अपने सर्टिफिकेट संभाल रहा था और वो पैसे गायब। बाद में शाम को कहता है, मैं तो ये कमरे को छोड़ा नहीं, डैड ने मुझे आके पैसे दिए, पर वो पैसे कहीं नजर नहीं आ रहे, मिल ही नहीं रहे। ऐसे बेटे मिल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आपने के रख दिए होंगे, कोई ड्रॉर में चेक कर लो। कहता है, मेरे ख्याल से तो मैंने इस ब्रीफ केस में डाले थे। चलो, हमने ब्रीफ केस को बहुत बारी देखा, एक एक ड्रॉर एक एक कबट को पूरा खाली कर दिया, मतलब एक पिन जैसी जगह भी नहीं छोड़ी के ढूंढने के लिए, पूरा रूम अपसाइड डाउन। एक हफ्ता निकल गया, हमने कहा, मैंने अपने मन में सोचा, ना ये चोरी हुए हैं ना ये मिसप्लेस हुए हैं, तो ये गए किधर। अब मैंने ट्यूसडे को अपने घर में सत्संग रखा हुआ था और मैंने संडे को गुरुजी के आगे खड़े होके अरदास करी, कि मैं आपको बताया कि मैं गुरुजी से बहुत कम कुछ मांगती थी, पर उस दिन मैंने मांग ली। मैंने कहा, गुरुजी ट्यूसडे को सत्संग है, बार बार ध्यान वही जाता है कि पैसे गायब कहाँ हो गए, एंड आप हेल्प कर दो, अगर मिल जाते हैं तो ना जो सत्संग होगा उसमें मेरा माइंड बड़ा रिलैक्स्ड होगा, इस तरीके में मेरे माइंड में वो ना वो पीस नहीं है। मैंने ये अरदास करी होगी एंड विद इन 5 मिनट्स जिस ब्रीफकेस को हमने एटलीस्ट 20-50 टाइम्स देखा होगा, आई थिंक 10-20 बारी तो मैंने देखा होगा, मेरे बेटे ने उतना ही देखा होगा, जो भी हमने बहुत बारी उसी ब्रीफकेस को पूरा खोल के उल्टा कर दिया, उसी ब्रीफकेस में वो पैसे मिले 5 मिनट्स के बाद। अब आप सोचो कि क्या वो सत्संग कितने मतलब लाइट हेडेड होके किया होगा। ये हुआ, इसके बाद मेरे हस्बैंड को, हाँ, मेरा बेटा आया कैसे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा क्लियरली किसी भी मीडिया में या न्यूज़पेपर में या न्यूज में नहीं बताया कि यूके से लास्ट फ्लाइट कल इतने बजे तक आएगी, उसके बाद नो फ्लाइट्स आर अलाउड। मेरे बड़े बेटे ने किसी फॉरेन न्यूज में पढ़ा एंड उसने बोला कि फ्लाइट्स मॉम नॉट कमिंग टू इंडिया एनी मोर, आप उसको अभी बुला दो, वहां से इमीडिएटली बुलाओ। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने बोला, कितना वहमी है बेटा तू, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो फ्लाइट्स कैंसिल कर देंगे वहां से इंडिया में और आप पैनिक करते हो। वो कहता है, मॉम प्लीज मेरा कहना मान लो, मैं तो उसकी टिकट बुक कर रहा हूँ। बेटे को, उसने भाई को फोन किया, he said कि मैं आपकी टिकट बुक कर रहा हूँ, 6 आवर्स में आप एयरपोर्ट पहुंच लेना। अब वो पहुंच गया, उसने तो एक महीने की तरह पैकिंग कर ली कि मैं वापस चला जाऊंगा जब तक लॉकडाउन चलेगा। आया इंडिया, दैट वॉज द लास्ट फ्लाइट, उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो टर्न करके उसको वापस भेज दिया, उसके बाद महीना भर तो बंद ही था। वो लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड होते रहे यूके में, ऐसे 6 महीने निकल गए। वो इधर ही था, हम मेरे हस्बैंड ने उसको बोला, तू ऑफिस में आ जा बेटा, मेरे को आके थोड़ा काम समझ ले कुछ, तू भी बोर हो रहा है घर में। वो भी अपनी पीएचडी की पढ़ाई करता जा रहा था, उसने थीसिस लिख के वो रेडी कर दी। यहां पर जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया दोनों भाइयों ने, बड़े का भी कोई प्लान नहीं था, वो भी कहता था मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने, मैंने पढ़ने नहीं, पढ़ तो चुका था, मैं बाहर 1 साल काम कर चुका हूँ, वहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मैं यहाँ नहीं काम कर सकता। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग, पढ़ाया उधर,
और सारी नॉलेज यहाँ के लिए। दोनों बच्चों ने आज की डेट में पूरा बिजनेस अपने कंट्रोल में संभाल लिया। ये गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज नहीं तो ये कंपनी हमें बेचनी पड़ती। सो जय गुरुजी। मतलब ये कोई छोटी बात है ही नहीं, गुरुजी की कोई भी बात छोटी नहीं हो सकती, नहीं होती, ना हो सकती है, ना होगी। सो ये हुआ, तो जब इन्होंने बिजनेस संभाला दोनों ने, इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा कंपनी में मेसअप हो रहा है अकाउंट्स में। तो ये बार बार कहता था मेरा बेटा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये आपके अकाउंट्स में बहुत मेस हो रहा है, ये तो आपकी कंपनी खा जाएंगे। अब जो इतने सालों से उनपे ट्रस्ट किया हुआ था, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लोग कहते थे बेटा ऐसे मत बोलो, ये तुम्हारे भाई हैं। वो कहता है नहीं, जो हमें अगर चीट कर रहे हैं तो ये भाई कैसे हो गए। वो मेरे हस्बैंड कहते कोई चीटिंग नहीं कर रहे, आप बहुत शकी हो। अब इन्होंने क्या किया, ओवरनाइट इनको बोला अपने लैपटॉप्स दे दो, अपने फोन्स दे दो और पासवर्ड्स दे दो। तो वो तो डर गए, तो रोने शुरू हो गए, बिकॉज उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं। जब खोला तो उनकी सारी कॉन्वर्सेशंस, उनकी सारी बातें खुल गई। अब कितना बड़ा डर था कि ये आपके अकाउंट्स में है और ये आपकी शिकायत करके आपको फंसा सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे नहीं होने दिया। महाराज ने वो गिल्टी होके वो माफी मांग रहे थे और उनको निकाल दिया और उनकी जगह टोटली न्यू टीम बिठा दी। न्यू टीम भी अच्छी निकली। सब कुछ मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत इजीली आया और गया वो टाइम। नेक्स्ट केम जो ड्राइवर्स है, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, हमारे जो ड्राइवर्स है वो ओवरचार्ज कर रहे थे, डीजल ज्यादा लिखवा रहे थे। फिर मेरा बेटा बोला इनको हटाना पड़ेगा, ये सब चीट करते हैं, आई कैन नॉट स्टैंड एनी चीटर्स, जो चीट करेगा वो आउट हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने फिर बोला सारी तू गड्डिया खड़ी कर देगा, तू गड्डी नहीं चलन देगा, तू तो ट्रांसपोर्ट का काम बंद कर देगा। कहता है नहीं, मैंने नहीं करना, अगर ऐसे काम चलेगा तो नहीं चलाना। अब जब सारे ड्राइवर्स बदले, अच्छे मिले, ये भी नहीं हुआ कि मिलने में मुश्किल हुई। अब क्या हुआ कि एक ड्राइवर, उसने रास्ते में ट्रक रोक के गाड़ी में ड्रग्स भर दिए। अब ये इतना बड़ा ऑफेंस है, ये इतना बड़ा क्रिमिनल, मतलब आज हम सब बिहाइंड द बार्स होते अगर गुरुजी ने कृपा ना करी होती। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसने ये काम किया, सिर्फ इतना पता था कि वो ट्रक घूम गया है। सो मेरे को रात को 12 बजे मेरा बेटा कहता है कि आई एम लीविंग, आई एम गोइंग टू हिसार, हमारा ट्रक कहीं घुमा है उस साइड में। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज ट्रक्स घूमना इज नॉट अ वेरी रेयर थिंग, कभी कभी हो जाता है, बट ये नहीं पता था कि वो उसके पीछे कितनी बड़ी स्केरी बात है। तो वो जब ट्रक घूम गया तो 2 बजे फोन भी आ गया कि ट्रक मिल गया, चलो खत्म, हम सो गए आराम से, वैसे ही सो रहे थे। सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तेरे को पता है वो ट्रक में ड्रग्स मिले हैं तुमने, मतलब बेटे ने, ये जो ड्राइवर चेंज करे है ना, ये बहुत, मतलब इससे गड़बड़ हुई है बहुत। एंड उनके पेपर में, सुबह के पेपर में, हिसार में ये न्यूज आ गई। अब गुरुजी की कृपा देखो कि कंपनी का नाम नहीं आया, उन्होंने कंपनी का नाम नहीं लिखा। एंड और बड़ी ग्रेस ये हुई कि वो ड्राइवर ने एडमिट किया कि ये ड्रग्स मैंने डाले, ये इनका काम, इसमें इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई, एंड उसने ये काम पहले भी किया था किसी और कंपनी में जहां भी वो काम कर रहा था। तो excuse me, तो सब कुछ हमारे फेवर में आ गया। अब फिर भी उसके पहले जो हमारे घर में फियर था कि 40 ईयर पुरानी कंपनी, पूरा नाम खराब हो जाएगा, पूरा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हम सब तो जेल हो जाएगी, तो वो सारा डर निकाल दिए, बिकॉज कोई भी चीज हमारे पे नहीं आई। ऊपर से हमें कोई ऐसे हेल्पर मिल गए, तो मेरे को मेरे हस्बैंड कहते हैं आज तो मुझे ऐसे लगता है ये कि भगवान ने मेरी हेल्प करी है। उन्होंने इतनी हेल्प करी, जहां पुलिस में अच्छे लोगों से मिलाया, और इवन
कोर्ट्स में जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ, अच्छे लॉयर्स से मिलाया जिन्होंने ये केस को बहुत इजीली हमारी हेल्प करके, हमें सारा माल भी मिल गया, ट्रक भी मिल गया और वो ड्राइवर अभी भी जेल में है। सो गुरुजी ने आपको कहीं भी डरने नहीं दिया, ना फंसने दिया, ना कुछ। अभी मेरा फेथ दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, बहुत ही बढ़ गया था, देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मैंने अब मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया एंड सब कुछ ठीक लग रहा था, उनका फीवर हाई नहीं जाता था। ये भी वही है, 2019 की ही बात है। एंड उनका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा चल रहा था। उनकी वो सीटी स्कैन करी जब लंग्स की, तो रात को 10:30 बजे उसकी रिपोर्ट आई। तो मेरी सिस्टर नो कहती है कि ये रिपोर्ट मुझे जरा भेज दो, क्योंकि उस टाइम कोविड जरा नई नई चीज थी। तो वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स की फैमिली में उन सबको हुआ है, तो उनको रिपोर्ट्स पढ़नी आती है। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दी। तो जब वो रिपोर्ट्स उन्होंने फोन पे खोली तो अपनी फ्रेंड्स को दिया, तो वो कहते हैं एक सेकंड घर में मत रुको, इनको अभी हॉस्पिटल ले जाओ। अब उन दिनों में कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ था, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। तो मेरे बेटे ने अपने एक दोस्त की हेल्प करी थी 3 महीने पहले, ये गुरुजी की प्लानिंग थी। 3 महीने पहले जिसको हेल्प करी, तो वो बच्चा कहता है कि अगर आपको कभी भी, इफ यू एवर नीड एनी हेल्प इन हॉस्पिटल, आई हेल्प यू। मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि बच्चे है ना, शो ऑफ करते हैं। फिर मैंने अपने बेटे को बोला आप उससे जरा बात करो बेटा, बिकॉज हमारा कहीं भी कोई इन्फ्लुएंस कहीं नहीं है, वी डोंट नो एनीबडी। और उन दिनों में वैसे ही बहुत बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स पैक्ड थे। तो उसने बोला कि मॉम मेरे बात कर दी, और उसकी मम्मी का फोन मुझे आ गया, वो बच्चे का। उन्होंने बोला कि आपकी एम्बुलेंस की भी मैंने इंतजाम कर दिया, आपको लेने आ रहा है, आपके हस्बैंड को लेने आ रहा है, आपके रूम भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब मेरे हस्बैंड कहते मैं इतना बीमार तो हूं नहीं, मेरे को क्या जबरदस्ती तुम हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। चलो ले गए, वहां पर रूम का टोटल नंबर 7, प्राइवेट रूम। हमें ऐसे रखा गया जैसे हम कोई VIP होते हैं। जब मैं गेट, एंट्रेंस, रिसेप्शन, लिफ्ट, सबको मेरा नाम पता था, आरती, यू आर आरती सिंह, और सबको हॉस्पिटल में जो नर्सेज और वो सब को ये दिया हुआ था कि इनको पूरी हेल्प करनी है, इनको कहीं रोक टोक नहीं करना, ये जैसे चलते इनको चलने दो, मतलब इनको इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करो। हमें डॉक्टर्स के सबके फोन नंबर दे दिए कि आपको रात को भी पूछना हो अपने पेशेंट के बारे तो आप पूछ लेना। सुबह जब मैं डॉक्टर को मिली तो डॉक्टर ने मुझे बोला आपने बहुत सियानब करी कि आप इनको रात को लेके आए हो, अब किसने इनको सुबह रात में ऐसे करा। गुरुजी थे, कहते हमें 8 घंटे एक्स्ट्रा मिले बिकॉज इनके अंदर की लंग्स की हालत ठीक बिल्कुल नहीं है। अब चलो ठीक है, इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 3 डेज के बाद जब डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर घबराया हुआ था, कहता है जो हमने इनको एंटीबायोटिक दिए ये इनको सूट नहीं करी, इनके लंग्स के पैचेस बढ़ गए हैं। डॉक्टर घबराया तो नेचुरली हम भी थोड़ा सा तो घबराते ही हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया, तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि उनके पास गुरुजी का लॉकेट है। आई सेड हां जी है। सो जल प्रसाद है? आई सेड हां जी, वो रोज पी रहे हैं। तो दीदी कहते हैं उनको बोलो लॉकेट को किस करके अपने चेस्ट पे लगाएं। तो मेरे हस्बैंड ने वही किया। अब मानोगे वो किया, इतना सा, मतलब हमें लगता है ना इतना सा, पर ये गुरुजी ने ही डायरेक्शन दी होगी दीदी के थ्रू। एकदम मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई और 3 डेज के बाद छुट्टी जल्दी देते थे उन दिनों में, बिकॉज बेड्स को खाली करना होता था नेक्स्ट पेशेंट के लिए। सो गुरुजी ने उनको ठीक करके घर भेजा। अब बिकॉज मैं अपने हस्बैंड के साथ इतना थी तो मुझे भी कोविड हो गया, मुझे पक्का पता था। अब उन दिनों में ना कोविड पता लग जाए कि इस घर में है तो सब अछूत की तरह, तो मैं सर्वेंट्स भी सब भी दूर 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 डरते थे कि कोविड हो जाएगा। सो मेरे को हो गया, मुझे पक्का मालूम है, बिकॉज मेरे को बुखार आता था और मुझे बुखार के साथ
लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट हुआ। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं ही हूँ जो इनका ध्यान रख रही हूँ। जो नर्स भी रखे थे दो चेंज कर करके, वो भी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, हम उनकी सेवा कर रहे थे। मैंने कहा मैं ही इनको खाना देती हूँ और मैं ही जो भी इनका थोड़ा बहुत काम करने वाला होता है मैं ही पास जाती हूँ और मैं ही करती हूँ। सो प्लीज गुरु जी मुझे उतना ही ठीक उतना ही बीमार करना जितना कि किसी को पता ना लगे और मैं चलती फिरती रहूं, नींद बहुत आती थी, दैट्स ऑल। एंड सच में वो कोविड मेरा ऐसे आया गया, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं, आया और गया। गुरुजी ने मेरी बहुत सुन ली। सो ये तो बहुत बड़ा सत्संग मेरे हस्बैंड का था। उसके बाद मेरे हस्बैंड की लास्ट ईयर आई सर्जरी थी, ये भी एक बहुत बढ़िया सत्संग है। मतलब गुरुजी की बख्शिश दिखती है ना जिन चीजों में, बहुत क्लियरली वो चीजें। हम चंडीगढ़ गए, इनका ये सर्जरी थोड़ी मेजर थी बिकॉज ये रेटिना की थी एंड 2 घंटे लंबी थी। मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ को किसी का फोन आता है दिल्ली में कि आप आपकी सिस्टर इन लॉ के लिए मैंने प्रसाद भेजना है। सो दीदी कहते हैं, दीदी मुझे फोन करते कहते मैंने ना सारा दिन फोन नहीं देखा, ये मैसेज वॉइस मैसेज में मुझे रात को मैंने पढ़ा और सुना, और कहते कि आपके घर से कोई रिसीव कर लेगा। मैंने कहा हाँ, मैं पीछे से अपने ड्राइवर को कह देती हूँ कि वो प्रसाद जो देते हैं। तो वो दीदी कहती है कि मैं ना बाय चांस अब जा रही हूँ कसौली, तो वो कहते हैं कि आप मेरे घर भिजवा दो, वो आपको प्रसाद जब भेजेंगे मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं कसौली ले आऊंगी, मैं चंडीगढ़ ले आऊंगी। यहाँ से मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर लोग को फोन करते हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो कहते हैं आप कसौली जा रहे हो, आप बिना मुझे मिले चंडीगढ़ रुक के नहीं जा सकते। सो गुरु जी ने कैसे कैसे एक पूरा राउंड बना दिया कि वो प्रसाद ये घर आया बड़े मंदिर से, और जिन्होंने भेजा उनको कुछ नहीं पता कि हमें उस प्रसाद की जरूरत है। मैंने उनको बाद में फोन करके पूछा कि आपको आपने ऐसे क्यों, मतलब किस लिए बोला कि प्रसाद भेजना चाहते हैं। कहते हैं पता नहीं, मैं ऐसे ही बैठा था और मेरे मन में आया, मीन्स गुरुजी ने मन में डाला कि इनके घर में आज प्रसाद भेज दो एंड फ्रूट्स और ऐसी चीजें आई जो खराब नहीं हो सकती। वो चीज हमारे को मतलब सैटरडे को हमारे घर में डिलीवर हुआ और मंडे को हमारे हाथ में चंडीगढ़ में आ गया। सो मतलब इतनी क्लोज अप नजर आ गया कि गुरुजी हर चीज में है। फिर अभी तो बहुत सत्संग तो बहुत सारे हैं, अभी टाइम कम रह गया। एनीवे अभी एक और एक मेजर सत्संग सुनाती हूँ, बिकॉज मेरे को करना पड़ेगा ऐसे ही कि मेजर मेजर चीजें उठानी पड़ेंगी। अब मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो थोड़ा जल्दी आ गई थी, सो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र थी कि मेरी बेबी इतनी जल्दी आ रही है तो ठीक ठाक रहे गुरु महाराज, आप उसको ठीक रखना। तो मेरा वीजा मुझे उस हिसाब से मिला था जब उसने पैदा होना था, एंड ऑफ सितंबर का अक्टूबर का मिला था। सो एनीवे वो बेबी 1 मंथ की हो गई और मैं जर्मनी चली गई अपनी बेबी को मिलने। मैं वहां पहुंची हूँ तो मुझे तो स्लिप डिस्क हो गया, पर द सत्संग इज नॉट अबाउट मी नाउ, द सत्संग इज अबाउट बेबी। सो बेबी को बहुत सिवियर जॉन्डिस हो गया एंड मैं उसको देखती थी तो मैं अंदर से बहुत फरी करती थी बिकॉज ये बिल्कुल येलो थी जैसे कि किसी ने हल्दी मल्दी होती है। एक जॉन्डिस होता है जो बेबीज बॉर्न होते हैं, ये वो वाला नहीं था, वो थोड़ा इजीली चला जाता है। ये जॉन्डिस वो था कि उसकी मम्मी को मेरी डॉटर इन लॉ को ये लेना पड़ा, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी बिकॉज उसको कुछ इन्फेक्शन हो गई थी, और वो इन्फेक्शन वो मतलब वो एंटीबायोटिक्स बेबी के अंदर चली गई बिकॉज उनका लिवर छोटा होता है छोटा बेबी का, तो उसको वो वाला जॉन्डिस हो गया। सो मैंने किसी को फोन भी किया डॉक्टर को यहाँ पर दिल्ली में, और मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये इतना है इसका लेवल, वो तो मैं लेवल आज भी मैं बोलने से घबराती हूँ, इतना हाई था।
कहते हैं ये बहुत खतरनाक हाई लेवल है, इससे बेबी के माइलस्टोन स्लो हो सकते हैं, आप जो कर सकते हो करो। वहां के डॉक्टर तो जो कर रहे थे डेफिनेटली कर ही रहे थे नेचुरली। मैंने फिर एक संगत जो बहुत कनेक्टेड है गुरु महाराज जी से, उनको फोन किया और उन्होंने मेरे को रात में बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप बस संगत करो गुरु जी के साथ। अब मैं लकीली मेरा घर और बच्चों का घर थोड़ा दूर था, साथ साथ नहीं रह रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं सुबह उठ के करूंगी। कहते सिर्फ आप बैठ जाना गुरु जी के साथ और संगत करना। मैंने उन्होंने मुझे एक प्लेलिस्ट भेजी और कहते हैं प्लेलिस्ट मैं आपको भेज रही हूँ। वो बाद में उन्होंने बताया कि मैंने गुरुजी से पूछा था कौन सी प्लेलिस्ट भेजूं इनको, उन्होंने जो प्लेलिस्ट भेजी वो पूछ के भेजी। अब मैं ये सत्संग गुरुजी के साथ जब कर रही थी, देखो तुम जर्मनी में हो, वहां पर ना दिया है ना अगरबत्ती है, एक गुरुजी का स्वरूप है और एक फोन में स्वरूप खोल दिया, बस इतना ही, कोई फूल नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट चाय प्रसाद सॉल्टेड एंड स्वीट बिस्किट फ्रूट ये रख दिया गुरुजी के पास। लेकिन जो मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ उस दिन था, शायद जिंदगी में ना पहले ना बाद, नहीं बाद में एक बार और भी हुआ था, बट पूरे फोकस से था, बिकॉज इतनी अंदर से वो हमें जरूरत थी, तो गुरुजी को पता है कि अपने जरूरत के लिए ये सब काम करेंगे। एनीवे सो जब वो संगत के सत्संग के बीच में एक टाइम आया, मैंने देखा गुरुजी का तो फेस बिल्कुल येलो लग रहा है, तो मैंने अपने आप को सोचा कि नहीं ये तेरे इमेजिनेशन है, गुरुजी अपने आप को मतलब ये लोगों के साथ होता है, ये शायद इमेजिनेशन है। तो मैंने गुरुजी को नहीं डाउट किया, अपने आप को किया। फिर थोड़ी देर के बाद फोन के जो ऊपर वो जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें नोटिफिकेशन आई, अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आया, अनिल चोपड़ा कोई संगत भी है गुरुजी के, शायद ये वही तो नहीं है, पर ये एयर मार्शल है। तो मैंने अपने आप को रोका और टोका और मैंने कहा प्लीज अपना ध्यान गुरुजी पे रखो, ये जो नोटिफिकेशन आ रही है तुम इनमें ध्यान मत करो। सत्संग पूरा खत्म हुआ, आरती करी, एक बल्ब को प्लेट पे रख के आरती भी कर दी, लेकिन ध्यान वापस उस नोटिफिकेशन पे चला गया। तो मैंने कहा चलो भैया इनका सत्संग तो सुन लूं फिर अगर। हाँ, सत्संग के बाद गुरुजी का फेस वापस पिंक हो गया था जो येलो हुआ था। अब मैंने शॉर्ट अनिल चोपड़ा के नाम से एक शॉर्ट सत्संग यूट्यूब में ढूंढने की कोशिश करी और मुझे मिला 12 मिनट्स लॉन्ग। उस 12 मिनट्स में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा वो ही थे जिनका ट्विटर पे आया था नोटिफिकेशन। वो कहते हैं जब मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिला तो मेरा बिलीरुबिन बहुत हाई था, अब बिलीरुबिन तो बेबी का बहुत हाई था। माय गॉड, आई सेड मैंने कहा ये तो गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे को जानबूझ के ये सत्संग सुना रहे हैं। कहते जैसे ही मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका तो गुरुजी ने क्या, मैं तेनु ठीक कर देता। अब आप सोचो कि मेरे को तो मेरा जवाब गुरुजी ने डायरेक्ट ही दे दिया। उस दिन इन्होंने बच्चे को लेके, हाँ जी, आई डोंट नो मेरी लाइट यहाँ पर चली गई थी, हो गया था। सो वो दिन गया, उस दिन के मतलब उस पॉइंट के बाद उसकी हेल्थ एकदम इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैंने अपनी ट्रिप को बहुत कट शॉर्ट कर दिया था सिंपली बिकॉज मेरी अब मैं जब बेबी को मिलती थी उसकी आंखें बंद होती थी। मैंने गुरुजी से इसकी अरदास करी, मैंने कहा देख लो, नहीं पता मुझे उसका। तो आप देखो गुरुजी की दया, जिस दिन मैं जा रही थी मतलब अगले सुबह जा रही थी, एक दिन शाम पहले मैं उसको मिलने जब गई तो वो बेबी आंखें खोल के इधर उधर देख रही थी। मैंने कहा थैंक यू गुरु महाराज, एटलीस्ट मैं जो मेमोरी लेके जाऊंगी एक बीमार या सोए हुए बच्चे की नहीं लेके जाऊंगी अपने साथ। सो गुरुजी ऐसे करते, इतना करते। अब मैं बिकॉज टाइम कम है तो मैं एक और बहुत मेरे लिए मौत ये बहुत डियर है एक और सत्संग,
के जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ने लगी तो मैं प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सत्संग सुनती थी शुरू शुरू में, अभी भी सुनती हूँ, पर उस टाइम ये मेरे लिए एक नई चीज थी सत्संग सुनना। ये 2 साल पुरानी बात हो गई है। सो मेरे को एक लड़की का मैसेज आता है और वो मुझे पूछती है कि क्या आपके पास शिवपुराण है? तो मैंने बोला नहीं है। अब ये लड़की ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सोचा ये पूछ रही है तो कहती है एड्रेस दे दो। मैंने सोचा एड्रेस दे दो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा इंसान मुझे थोड़ी कोई शिवपुराण दे सकता। 3 दिन के बाद शिवपुराण घर आ गई। मैंने कहा तो अब क्या करूं, ये तो हिंदी में हिंदी में, तो अभी वो वापस आ गई है ना लाइट जी। सो तीन दिन के बाद शिवपुराण घर आ गई। मैं सोच रही हूँ मेरे से शिवपुराण तो पढ़ी नहीं जाएगी, ये हिंदी में है और अब मैं क्या करूं। तो अगले दिन मैं रोहित कपूर जी का सत्संग सुन रही थी बाय चांस। उन्होंने जैसे गुरुजी ने उनके थ्रू क्या सुनाया, अब हिंदी में शिवपुराण पढ़ना बहुत आसान हो गया जिनके लिए प्रॉब्लम है। आप यूट्यूब पे खोलो, यूट्यूब में सुनो और साथ में अपनी शिवपुराण खोलो और इस तरीके से शिवपुराण पढ़ो। सो गुरुजी ने नेक्स्ट डे सिखा दिया कि शिवपुराण ऐसे पढ़ते हैं, कितना इजी कर दिया। मैंने वो दिन गया, उसके बाद एवरी डे एक चैप्टर पढ़ के एक बार पूरा ग्रंथ पढ़ लिया। अभी ये सेकेंड राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड के जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, सेकेंड राउंड के लिए क्या हुआ कि मैंने फिर यूट्यूब में कुछ खोला और मैंने देखा ये तो गिरिजा आंटी पढ़ रही है सावन के महीने में शिवपुराण। तो मैंने कहा ये तो और अच्छा लिंक है, तो मैंने वो लिंक खोल के अब वो जो सेकेंड राउंड है वो मैं उनकी वॉइस में पढ़ती हूँ अगेन फ्रॉम यूट्यूब। पर अब ये देखो कि जब कोई एक दिन पहले गुरुजी दिखाते थे कि कल से आपने ये शिवपुराण पढ़नी है ना दोबारा, अब इनसे इस तरीके से पढ़ना। आज गुरुजी ने ये कृपा करी है कि आज की डेट में मुझे सेवा सिर्फ मतलब मुझे ये नहीं पता किसके घर जाती है शिवपुराण, लेकिन मेरे को एड्रेस आ जाता है फोन पे और कुरियर करने की सेवा मिली हुई है। सो गुरुजी ने कितना जोड़ दिया अपने शिवपुराण से, पहले पढ़ाया अब डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया। सो शुक्राना गुरु महाराज, बिकॉज उनके पास बड़े हाथ हैं, करने वाले बहुत लोग हैं, पर अगर हमें एक ऐसी कोई एक भी छोटी सी भी सेवा मिल जाती है तो हम कहते हैं थैंक यू महाराज, ये आपकी बख्शिश है। एंड अभी तो अंकल बहुत सारे सत्संग हैं, सो वी कैन सेव सम सत्संग्स फॉर नेक्स्ट टाइम बिकॉज टाइम तो हो गया ऑलरेडी। एंड क्या बोले, कई बार हम गुरु जी से कुछ पूछते हैं एंड हम सोचते थे ये लोगों के साथ होता है, ये लोगों का वहम है, लेकिन गुरुजी मैं आज कभी नहीं कहती ये कि बाय चांस है, ये कोई कोइंसिडेंस है, बिकॉज एक्चुअली कोई कोइंसिडेंस है ही नहीं। गुरुजी के साथ सब कुछ मैजिकली उनके हुक्म से होते जाता है। अब लास्ट वीक मैंने मैं जब ऐसे ही सुबह बैठी हुई थी और मैंने कहा कि जैसे गुरुजी कहते हैं आज मेरे साथ अकेले बैठ के संगत करो, ठीक है मैं बैठ गई, मैंने सत्संग गुरुजी के साथ किया। अब मुझे उस दिन बुखार था बिकॉज मुझे कोविड चल रहा था, तो मेरे पंखे बंद थे, कुछ भी ऑन नहीं था, बिल्कुल कमरा ऐसे था और जो गुरुजी की जोत ऐसे लेफ्ट राइट हो रही थी। 2 दिन बाद मैंने किसी मैसेज में पढ़ा कि जोत ऐसे जब हिलती है तो ये तो गुरुजी की कुछ मैसेज होता है, जो भी है ब्लेसिंग होती है। सो मैंने जय गुरुजी करके बस थैंक यू किया। सो जो जो चीजों का मैं लोगों पे डाउट करती थी कि ये लोग क्या बोलते हैं, इनको क्या लगता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जब गुरुजी तुमसे कराते हैं तुम्हारे साथ भी करते हैं, वो हर एक बच्चे के साथ करते हैं, पर तब तक तुम किसी और की बात में बिलीव नहीं करते, बस यही है। सो गुरुजी महाराज ऐसे ही सबको अपने साथ जोड़े, सबको अपना विश्वास दे। एंड एक्चुअली जो मैं अपने आप को कई बार नई संगत मानती हूँ, हालांकि गुरुजी से बहुत ब्लेसिंग मिली है उनके पास बैठ के, लेकिन जो ब्लेसिंग्स ये 3 साल में हुई है ना, मैं मेरे को 3 साल लगेंगे बोलते बोलते, बहुत बख्शिश हुई है, बहुत ज्यादा जोड़ दिया गुरुजी महाराज जी ने। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज जी।